वैसी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि एक महिला ने कहा कि भाई आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, माय हस्बैंड इज हेड ऑफ द फैमिली, मेरा हस्बैंड फैमिली का हेड है, बट आई एम द नेक ऑफ द फैमिली, आई कैन टर्न द हेड एनीवेयर। सो इस तरह का रिस्पेक्ट नहीं। जो हमारा फर्स्ट एपिसोड है, वी हैव इनवाइटेड मिस्टर सुनील दीवान, ही हैज बीन मैरिड फॉर अराउंड 36 इयर्स, तो उनसे हम थोड़ा समझते हैं कि एक खुशहाल जिंदगी अपने पार्टनर के साथ कैसे गुजारे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा मिस्टर दीवान कि हमें पांच ऐसी चीजें बताएं जो आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए पांच बातें बोली जाएं, आई थिंक द फर्स्ट इज रिस्पेक्ट। दोनों पार्टनर को एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स फ्रीडम, रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स चॉइसेस ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो और ये रिस्पेक्ट जो है दिल से होनी चाहिए। वैसी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि एक महिला ने कहा कि भाई आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, माय हस्बैंड इज हेड ऑफ द फैमिली, मेरा हस्बैंड फैमिली का हेड है, बट आई एम द नेक ऑफ द फैमिली, आई कैन टर्न द हेड एनीवेयर। सो इस तरह का रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट दिल से होना चाहिए। सेकेंडली फ्रीडम होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे को फ्रीडम देनी पड़ेगी डूइंग द वर्क एज पर देयर चॉइस, कुछ एक्सटेंट तक फ्रीडम होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज एक्सेप्टेंस। शादी हो गई उसके बाद दोनों को एक दूसरे को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। गलतियां तो होती हैं, कमियां होती हैं, सब में होती हैं, नोबडी इज परफेक्ट, परफेक्शंस कहीं नहीं है, तो हमें उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। चेंजेस करने की कोशिश एक बड़ा स्लो प्रोसेस है और बड़े क्या बोला जाए कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट Forgiveness। गलतियां सबसे होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती अगर किसी पार्ट से भी हो जाती है, किसी पार्टनर से भी हो जाती है, उसको फॉरगिव करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, फॉरगिवनेस होनी चाहिए। और इन सारी मैरिज लाइफ का सिस्टम जो है ये डिपेंड करता है, इनका जो बेस है वो है ट्रस्ट। पहले तो ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे को, वी शुड ट्रस्ट ईच अदर, ट्रस्ट के बेस पर ही सारी मैरिड लाइफ चलती है। उसके बाद ये बातें होंगे तो आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ, पर लंबी चलेगी, खुशहाल रहेगी। आई थिंक दिस आर द फाइव पॉइंट्स। चलिए, थैंक्स अ लॉट व्यूअर्स, वी होप कि आपको ये सेशन हमारा पसंद आया। डू शो अस सम लव, सब्सक्राइब टू आवर चैनल,